हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी PBR 322। ये जो टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है और ये टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। क्या होता है PBR 322? PBR 322 इज ए हाइब्रिड प्लाज्मिड वेक्टर। ये जो PBR 322 जो दिखाई दे रहा है ये एक तरह का हाइब्रिड प्लाज्मिड वेक्टर होता है। प्लाज्मिड का मतलब होता है एक सेल के अंदर एक छोटा सा DNA मॉलिक्यूल होता है ये प्लाज्मिड। इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 3 नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड। नेचर के मतलब नेचर से प्राप्त हुआ 3 प्लाज्मिड को मिला करके आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया एक तरह का ये प्लाज्मिड होता है। पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। इसमें पी का मतलब होता है प्लाज्मिड और BR रिप्रेजेंट द फर्स्ट लेटर ऑफ साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड दिस प्लाज्मिड। और BR को किसको दिखाया जाता है, तो BR को दिखाया जाता है कि जो प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड जिन साइंटिस्ट ने बनाया है उनके फर्स्ट लेटर को दिखाया जाता है इसमें। और 322 रिफर्स टू द सीरियल नंबर ऑफ द प्लाज्मिड कंस्ट्रक्टेड इन द लैब। और लैब में जो प्लाज्मिड बना उनका सीरियल नंबर से इसको दिखाया गया है 322 को। PBR 322 इज ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। ये जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। इट इज़ 4,363 बेस पेयर। इसमें कितना बेस पेयर होता है, तो 4,363 इसमें बेस पेयर मौजूद होते हैं। इट इज़ एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन से ओरिजिन हुआ है, मतलब रेप्लिकेशन मतलब DNA का कॉपी बनाने का जो सिस्टम होता है उससे ये निकल के आया है। इट हैज़ 2 एंटीबायोटिक रिप्रेजेंट जीन्स, नेमली एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसमें दो तरह का एंटीबायोटिक होता है, दो तरह का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, जिसमें सबसे पहले एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। दीज जीन आर द मार्कर जीन सिंस दे आर यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट। ये जो है ये एक तरह का मार्कर जीन होता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रिकॉम्बिनेंट को पता लगाने में। स्ट्रक्चर है PBR 322 का, ये स्ट्रक्चर आपको फिर एग्जाम में बनाना होगा। उसके बाद है एडवांटेज, आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्या बेनिफिट होता है इससे। तो PBR 322 हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। इससे बहुत सारे एडवांटेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। इट इज़ ए स्मॉल प्लाज्मिड, ये बहुत ही छोटा सा प्लाज्मिड होता है। इट हैज़ 2 मार्कर जीन, नेमली TATR एंड MR। इसमें 2 मार्कर जीन होते हैं, नेमली कौन कौन, तो TATR का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और MR का मतलब होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इट कैन मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल एंड प्रोड्यूस मैनी कॉपीज। ये जो है ये जो PBR 322 जो है ये होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करता है, बहुत ज़्यादा ये गुना करके क्या करता है, बहुत सारे कॉपीज़ को प्रोड्यूस करता है अपने जैसे। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर वैक्टर। इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे वैक्टर का फॉर्मेशन करने के लिए। बस यही लिखना है आपको।